प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि बादलों के ऊपर एक जादुई जगह थी जिसे परियों का पहाड़ कहा जाता था। पहाड़ हरी भरी नरम घास से ढका हुआ था और उसकी चोटियां ऐसी बर्फ से चमक रही थी जो कभी पिघलती नहीं थी। वहां तितलियों जैसे परों वाली छोटी छोटी परियां रहा करती थी जो सूरज और चांद की रोशनी में रक्स करती थी। पहाड़ के बीचों बीच एक साफ शफाफ झील थी, इतनी चमकदार कि लगता था जैसे आसमान उसमें गिर गया हो। परियां अक्सर उस झील के इर्द गिर्द जमा होती और मीठे गीत गाती थी जो पहाड़ों में गूंजते थे। वहाँ के दरख्त लंबे और शानदार थे, उनके पत्ते सोने चांदी और जमरूद जैसे रंगों में चमका करते थे। दोस्तों, करीब के गांव के लोग अक्सर उस पहाड़ की कहानियां सुनाते, कहते थे कि ये एक जादुई जगह है। वो मानते थे कि जो भी दिल से पाक होगा वो परियों के पहाड़ जाकर एक ख्वाहिश कर सकता है और परियां उसे पूरा कर देती हैं। एक दिन एक नन्ही सी लड़की जिसका नाम एला था, आंखें रोशन और दिल मेहरबान था, उन कहानियों को सुनती रही। उसे पहाड़ पर जाने और अपनी आंखों से परियों को देखने की शदीद ख्वाहिश होती है, लिहाजा वो बहादुरी के साथ अपने सफर पर निकल पड़ती है। एला ने कई दिन पहाड़ पर चढ़ाई की, दरिया पार किए, घने जंगलात में चलती रही और ढलवान रास्तों पर चढ़ती रही, लेकिन उसे कभी थकावट महसूस नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने ख्वाब का पीछा कर रही है। जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो वो हैरत से साकत हो गई। वो जगह उसकी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत थी। परियों ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया, उनकी नरम हंसी के साथ वो उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगी जैसे हवा में रंगी बिरंगी पंखड़ियां हो। जब परियों ने एला से उसकी ख्वाहिश के बारे में दरियाफ्त किया तो एला ने एक बहुत सादा सी ख्वाहिश पेश की कि उसके खानदान और दोस्तों के दिल हमेशा खुशियों से भरे रहे। परियों ने उसकी मेहरबानी से मुतासिर होकर चमकते हुए जादुई जर्रों की बारिश के साथ उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पहाड़ और भी ज्यादा चमकने लगा, जैसे कि एला की सबसे खुशी उसके साथ बांट रही हो। एला अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसने परियों के पहाड़ का जादू कभी नहीं भूला। उसके बाद वो हमेशा अपने साथ परियों की खुशियां लेकर चलती रही और उसके गांव में कई सालों तक हंसी और मोहब्बत का राज रहा। और यूं परियों के पहाड़ की कहानी हमेशा जिंदा रही, एक ऐसी जगह जहां ख्वाब पूरे होते हैं और जादू कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? उम्मीद करते हैं आपने जरूर इस कहानी को पसंद किया होगा। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।